हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले टेक महिंद्रा के रिजल्ट से रिलेटेड। उसके रिजल्ट आ गए हैं, आईटी के ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी के रिजल्ट आ गए, जैसे कि इंफोसिस, TCS, माइंडट्री, विप्रो, SCL, ओके, टाटा इलेक्सी। तो यहाँ पर एक और आईटी की दिग्गज कंपनी है जो कि अगर बात करें जो इंटरनेट से रिलेटेड भी कंपनी काम करती हुई नज़र आएगी। जो हम 4G यूज़ करते हैं, 5G कर में को में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जिसे रखा जाता है टेक महिंद्रा, उसे कंपनी के रिजल्ट आते हुए नज़र आएंगे, तो उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है, तो उस डिविडेंड कब तक आपको मिल जाएगा उससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, आगे बड़े वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे और यहाँ पर वीडियो भी मिलेगी, हमारी वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो उसका आई बटन पर लिंक दे दूंगा कि ये शेयर में 83% की यहाँ जंप देखी गई है, क्या इसमें हमें रहना चाहिए, कौन सा शेयर है, ओके, ऑपरेटर तो यहाँ पर हावी नहीं है, तो इससे रिलेटेड वीडियो है तो इसे देख लीजिएगा। और Q4 के रिजल्ट आए HDFC के, वो भी आप देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट एक बात और, अगर आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट है, यहाँ क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ पर क्लिक करें, अपनी श्रद्धा अनुसार जो दान देना चाहते हैं दान दीजिए, इनकी वेबसाइट पर आपको डायरेक्ट ले जाएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर डिविडेंड की। तो कंपनी देखिए, टेक महिंद्रा के रिजल्ट है, टेक महिंद्रा ने यहाँ डिविडेंड अनाउंस किया है। यहाँ देख सकते हैं ₹30 का डिविडेंड है, जो कि इंक्लूडिंग स्पेशल डिविडेंड, इसमें ₹15 का स्पेशल डिविडेंड यहाँ पर इंक्लूडेड है। मतलब अगर बात करें इस साल कंपनी ने लगभग टोटल डिविडेंड कितना, ₹45 का डिविडेंड देती हुई कंपनी नजर आई है, ओके। और ये डिविडेंड ₹30 का डिविडेंड आपको कब तक आ जाएगा, तो बात करें 11 अगस्त 2021, ओके, मतलब 2-3 महीने का टाइम है। इस डेट तक या इस डेट से पहले आपको कभी भी स्पेशल डिविडेंड प्लस में फाइनल डिविडेंड जो कि आपका है ₹15 का शायद डिविडेंड दिया है, तो ये आपके नज़र आ जाएगा आपको आता हुआ। 45 का दिया है फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹430, यहाँ लिख रहा है इंक्लूडिंग स्पेशल डिविडेंड ऑफ 50, मतलब ₹15 का डिविडेंड इसमें इंक्लूड है। तो आपको ₹45 का डिविडेंड यहाँ पर 11 अगस्त 2021 तक देते हुए नजर आ जाएगा। तो आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं अगर आपको डिविडेंड चाहिए। बट डिविडेंड बायबैक और ये स्प्लिट और बोनस से रिलेटेड कभी भी न्यूज़ आए तो आपको इस चीज़ से रिलेटेड कभी भी शेयर नहीं खरीदना चाहिए। आपको शेयर खरीदना चाहिए किसके परफॉर्मेंस को देख के, जो कि हम परफॉर्मेंस देखने जा रहे हैं अब। यह है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये Q4 के रिजल्ट है लास्ट ईयर के, ये Q3 के इस बार के, और ये Q4 के रिजल्ट है इस टाइम के। अगर बात करें ये मिलियन इन रुपीज़ में, यहाँ सारा खेल होगा, सारी की सारी बातें होगी मिलियन इन रुपीज़ में। मैं सिंपल आपको नंबर बताऊंगा, आप मिलियन इन रुपीज़ पीछे आप जोड़ लीजिएगा। अगर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें, अगर मिलियन को करोड़ में चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर 9,490 करोड़ के आसपास हो गया। इस तरीके से अगर बात करना चाहे तो आप देख सकते हैं। फिर भी अगर मैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की Q4 लास्ट ईयर की बात करें, तो 94,902 का रिवेन्यू था। Q3 की बात करें तो 96,471 का यहाँ पर रिजल्ट आपको रिवेन्यू दिखाई दे रहा है। और अभी की बात करें तो 97,299, जो कि ईयरली बेसिस एज वेल क्वार्टरली बेसिस पे ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे अच्छा होता हुआ नजर आया इस साल का, इस क्वार्टर का। तो देखिए, यही सबसे ज़्यादा मेन होता है, यही चीज़ आपको बता देती है कंपनी इज डूइंग बिजनेस और नॉट। अगर यहाँ पर सबसे क्वार्टरली बेस भी जंप है, ईयरली बेसिस भी जंप है, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी बिजनेस कर रही है, एटलीस्ट प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही, वो आपको नीचे पता चलेगा। अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम कभी मायने नहीं रखना चाहिए, बट यहाँ पर अगर देखते हैं तो इस बार का इनकम अदर इनकम कम है और यहाँ पर अदर इनकम पहले के मुताबिक काफ़ी कम होती नजर आ रही है। तो इसी चीज़ का इम्पैक्ट टोटल इनकम में भी पड़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर बात करें Q4 की लास्ट ईयर की, तो 97,754 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर टोटल इनकम हुई है। जो अगर बात करें Q3 की इस साल की, तो 98,680, और अभी की बात करें तो 96,625 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर इनकम होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर ईयरली बेसिस तो जम दिखाई थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, और क्वार्टरली बेसिस पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम नज़र आ रहा है। किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ अदर इनकम, बाकी कोई भी इम्पैक्ट किसी भी तरीके का यहाँ नहीं है। फिर भी मैं इसे अच्छा मानूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अदर इनकम की वजह से ही यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया, अदरवाइज कंपनी इज डूइंग गुड बिजनेस। अगर एक्सपेंस की बात कर ले, तो देखिए एक्सपेंस सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, एक्सपेंस से ही पता चलता है। एक्सपेंस अगर कंपनी ने रोक लिए तो प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा, बट एक्सपेंस ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट वही घटता हुआ नजर आता है। तो अगर यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस देखते हैं,
तो यहाँ पर लास्ट Q4 की अगर बात करें 88,113 ओके मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर एक्सपेंस था। Q3 की बात करें तो 81,521 और अभी की बात करें तो 82,186 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर एक्सपेंस होता हुआ दिखाई दिया। देखिए जो कि क्वार्टरली बेस पे तो कम है जो कि अच्छी बात है, बट ईयरली बेस पे क्वार्टरली बेस पे तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है, बट ईयरली बेस की बात करें तो काफ़ी कम होता हुआ हमें एक्सपेंस कम होता हुआ नज़र आ रहा है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसी का इफेक्ट पड़ेगा अब प्रॉफिट में ही। अगर आप यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी का जो प्रॉफिट है लास्ट ईयर का, मतलब अगर Q4 की बात करें तो 9,656 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया है। करोड़ की बात करूँ तो 965 करोड़ रुपये का, और अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी का तो Q3 का 17,164 और अभी की बात करें तो 15,441 का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता हुआ दिखाई दिया है। और आफ्टर टैक्स, टैक्स वगैरह देने के बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लास्ट क्वार्टर की बात करें Q4 की बात करें लास्ट ईयर की तो 7,264 मतलब 726 करोड़ रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नज़र आया था। और लास्ट Q3 की बात करें तो 1290 करोड़ का प्रॉफिट होता हुआ नज़र आया था, और अभी की बात करें तो 1044 करोड़ रुपए का यहाँ प्रॉफिट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, जो कि ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छी जंप है, बट क्वार्टरली बेसिस पे तो यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है। तो रीज़न क्या है, रीज़न सिंपल सा रीज़न देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये अदर इनकम की वजह से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एज वेल एज बात करें यहाँ पर खर्चे एक्सपेंसिस की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपेंसिस भी यहाँ पर थोड़े बहुत बढ़ते हुए हमें दिखाई दिए इस वाले क्वार्टर के, इस वजह से यहाँ पर आपको ये प्रॉफिट में थोड़े बहुत कमी आती हुई दिखाई दे रही है। बट अगर मेरे व्यू से जाना जाए तो कंपनी के रिजल्ट एकदम बहुत बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। ओके इस चीज़ को आपको दोहराए, मतलब कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, और कंपनी 5G के बिजनेस में है पहली बात, और आगे चल के इसी बिजनेस को आने वाला है। आपको पता ही है 2-3-4 महीने बाद ये 5G का ट्रायल वगैरह शुरू हो जाएगा। अलग अलग कंपनी जियो हो गई, एयरटेल हो गई, तो इनके साथ कंपनी कहीं ना कहीं टाई अप करेगी और टेक महिंद्रा को इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता हुआ नज़र आएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर EPS की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं EPS यहाँ पर लास्ट Q4 में था 9.21 रुपीज़ का। अगर बात करें Q4 की तो 14.98 रुपये लगभग 15 रुपये के आसपास EPS था, और बात करें तो अभी का तो 12.37 रुपये का यहाँ पर EPS नज़र आ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। कंपनी के बिजनेस, कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती हुई अच्छी लग रही है। अगर SCL की बात करते हैं तो SCL तो इसने बहुत बेकार रिजल्ट देते हुए नज़र आई थी, जिस वजह से यहाँ पर गिरावट होती हुई उस शेयर में नज़र आती है सामने से। तो ये इसके रिजल्ट थे। अब बात कर लेते कुछ और पैरामीटर की, तो देखिए टेक महिंद्रा यहाँ पर नीचे ही चल रहा था, बट लास्ट में यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया, जैसे कि आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं 2% की यहाँ पर जंप थी। तो आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करिए। ओके मेरे अकॉर्डिंग तो कंपनी, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो आप इस कंपनी में बने रह सकते हैं। ओके और अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप निकल सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट के बाद मोस्टली IT कंपनी के अच्छे रिजल्ट आए, बेकार रिजल्ट आए वो गिरती हुई हमें नजर आती है। अगर एक थोड़ा सा जंप और मिलता है तो आप वहां पर बेच सकते हैं और बाकी दोबारा रीइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब ये कंपनी दोबारा नीचे की तरफ आती हुई आपको दिखाई दे, जैसे कि SCL अभी बहुत नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। तो आप इस अकॉर्डिंग भी अपना ट्रेड स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी डेफिनेटली करना। बाकी यहां पर आप देख सकते हैं 15 रुपये का डिविडेंड यहां पर लास्ट अच्छा खासा 2020 में भी यहां पर 15 अगर बात करें तो 30 रुपये का डिविडेंड, इस बार इस साल में 45 रुपये का डिविडेंड आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है। बात करें 1,081 रुपये का ये शेयर 11 जैन को जाता हुआ दिखाई दिया था। डिलीवरी की बात करें तो 19,47,524 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ पर अच्छे खासे RSI पे चल रही है, 42 के RSI पे। थोड़ा बहुत और गिरावट हो सकती है, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के मतलब से इस कंपनी को अगर आप रखते हो, इस साल में 5G के ट्रायल भी चल रहे हैं, ये कंपनी आपको धूम मचाती हुई नजर आएगी। बाकी कंपनी अगर इस मेरे को इस साल की बात करें तो कंपनी अच्छी खासी 1200 रुपये तक ये जाती हुई दिखाई देगी दिसंबर तक। बाकी आपकी मर्जी है आपको शेयर के साथ क्या करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकन को हिट करें ताकि इस तरीके के अपडेट्स आपको मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।